नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ डिस्कशन पॉइंट पे। दोस्तों, अभी अभी NIS का रिजल्ट अपडेट होने जा रहा है। कुछ ही देर में आपका रिजल्ट शो हो जाएगा NIS की वेबसाइट पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी अक्टूबर नवंबर, यानी कि जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिया है जिन विद्यार्थियों ने, उनका रिजल्ट कमिंग सुन दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर में ही ये कमिंग सुन आ रहा है, थोड़ी देर से ही, और ये आपको आधे से 1 घंटे के अंदर में, यानी कि आप समझ लो कि 2 या 1.5 बजे से आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप आराम से चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। तो चलिए मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको, कैसे आप चेक कर पाएंगे, मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप से। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम में। यहाँ पे हम टाइप करेंगे nios.ac.in, उसके बाद एंटर मारेंगे। जैसे कि ये होम पेज खुल गया है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमको जाना है NIS का एग्जामिनेशन और रियल सेक्शन में। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, स्लो चल रहा है, इसका मतलब है कि वेबसाइट पे काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस में है। यहाँ पे देखिए, अभी तक यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है रिजल्ट ऑफ अप्रैल और मई 2019 पब्लिक एग्जामिनेशन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ कुछ देर में यहाँ पे आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे चेक रिजल्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा। और जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट किसी कारण एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में रह जाता है, तो वह अपना एग्ज़ाम फीस यहाँ से भर सकता है। आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस भरने के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है पे एग्ज़ाम फीस अप्रैल मई 2020, यानी जो अप्रैल और मई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अगर आप पेमेंट एग्ज़ाम फीस भरना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालिए और सबमिट कीजिए, और जिन सब्जेक्ट में आप रह गए हैं उन सब्जेक्ट का सिर्फ आपको भरना है। यहाँ पे दे दिया गया है कि कब से कब तक आप अपना एग्ज़ाम फीस भर सकते हैं। तो फ्रेश स्टूडेंट जो है वो 21 नवंबर से 25 दिसंबर तक भर सकता है, और अनसक्सेसफुल जो रह जाएंगे, जिसका क्लियर नहीं हो पाएगा, वह यहाँ पे 13 दिसंबर 25 से लेकर 25 तक भर सकता है। कहने का मतलब है कि 13 दिसंबर 2019 यानी कि 12 दिसंबर तक में आपका 10th और 12th दोनों का रिजल्ट कम्प्लीटली आ जाएगा। फॉर ऑल लर्नर, अगर आप लेट होते हैं तो आपको 100 रुपये पर सब्जेक्ट 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक भरना होगा लेट फीस। और उसके बाद अगर आप 3 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में अगर आप भरना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे 1500 रुपया एक्स्ट्रा लेट फीस लगेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे 3 से 4 हज़ार या 3500, 3200 ऐसे भरना पड़ेगा जब आप भरेंगे 3 जनवरी के बाद। तो दोस्तों, आपको 25 दिसंबर से पहले पहले ही आपको भरना है। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है वो 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक भर दें, ताकि आपको कम लेट फीस देना पड़े। यहाँ पे बता भी दिया गया है एग्जामिनेशन फीस जो है 250 रुपये पर सब्जेक्ट लेगा, जिसमें थ्योरी होगा, और एडिशनल फीस फॉर प्रैक्टिकल इन सब्जेक्ट हैविंग बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 120 रुपये पर सब्जेक्ट, और एडिशनल फीस जो है एप्लीकेशन चार्ज वो 50 रुपया सबसे लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जिन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, उनमें आपको टोटल जो पेमेंट करना होगा 250 प्लस 120। लाइक 10वीं क्लास का मान लो आप मैथ है या साइंस है, दोनों में आपका प्रैक्टिकल है और थ्योरी भी है, तो दोनों में जब आप भरेंगे तो सिर्फ साइंस का जो भरना होगा 250 प्लस 120, यानी 370 रुपये आपको भरना पड़ेगा
सिर्फ मैथ का या फिर आप साइंस का, पेंटिंग का, डाटा एंट्री का, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है उसमें। तो मुझे लगता है अब आप लोगों ने समझ गया है, तो कुछ ही देर में अब रिजल्ट आने वाला है। आप यहाँ से स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करके यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे अपना रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है रिजल्ट चेक करने में, आप मोबाइल से भी आराम से देख सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज रहा हूँ, सॉरी दे रहा हूँ, आप आराम से वहाँ से क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद।